हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आई एम विवेक कुमार शर्मा और आपका स्वागत है, अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल द सिलेक्शन क्लासेस में। एंड उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपकी जो स्टडीज हैं गोइंग वेल, और जो एग्ज़ाम है सीसीएल मेंस का वो अब पोस्टपोन नहीं होने वाला है, डेफिनेटली टाइम से होगा। और सवाल आपने थंबनेल पर देखा होगा, मेंसुरेशन का एक अच्छा खासा सवाल है, जहाँ पर बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा सा मामला याद करने की कोशिश करते हैं जब वो सवाल पेपर में आता है। और सवाल पेपर में पहले भी आया है, एंड उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि हो सकता है इस बार भी आपको सवाल देखने को मिले। तो आइए जानते हैं कि सवाल का सबसे आसान जो तरीका है क्या है, और आप उस सवाल को कैसे जो मिनटों के काम को सेकेंडों में ख़त्म कर सकते थे। तो चलिए बात करते हैं सवाल की। तो सवाल सिंपल सा है दोस्तों, एक कौन है हमारे पास जिसका बेस रेडियस 6 है और जिसकी हाइट 8 है। हमें इसके अंदर एक बड़ा सा जो स्फीयर है जो कि मैक्सिमम वॉल्यूम का है उसको फिट करना है और उसका रेडियस फाइंड आउट करना। बहुत छोटा सवाल है ना? वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर जो कि इस कोन के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो अक्सर बच्चा जो है वो उसको मेंसुरेशन का सवाल 3D का समझ के, और इसका एक फॉर्मूला है आपने याद भी करा होगा आई थिंक, ओ आर एच अपॉन एल माइनस आर एल प्लस आर करके, मुझे खुद नहीं याद होता है, ऐसे आपको भी नहीं याद होगा जब एग्जाम में यदि आप इसको रिटेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम 2D में कन्वर्ट करके बहुत आसान से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसा मान के चलिए कि इस कोण को मैंने 20 और 20 से बिल्कुल कट कर दिया है, तो मुझे एक ट्राइंगल मिलेगा। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एक ट्राइंगल मिलेगा, और यदि मैं स्फीयर को भी 20 और 20 से कट करूंगा तो एक सर्कल मिलेगा मुझे। तो दोस्तों ये सवाल सिर्फ इतना सा हो गया कि हमें इन सर्कल का रेडियस पता करना है, वो ट्राइंगल का जो एक इन रेडियस होता है या इन सर्कल होता है उसका रेडियस पता करना बहुत आसान सा सवाल हो चुका है। और यदि मैं बात करूँ इसका रेडियस यदि 6 है तो इसकी जो स्लैन हाइट है दोस्तों 10 आएगी। इसका मतलब जो ट्राइंगल की साइड है ये दोनों 10 हो जाएगी और ये 6 से छूट जाएगा। ठीक है, तो हम सबको पता है कि इन रेडियस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू ए अपॉन एस। ए इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड एस इज द सेमी पेरीमीटर। ये फॉर्मूला दोस्तों ना सिर्फ ट्राइंगल के लिए बल्कि जितनी भी फिगर्स हैं जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है उन सबके लिए इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ बेस, कितना है इसका 12, और इसकी हाइट कितनी है दोस्तों 8 है, इसकी हाइट 8 है यहाँ पर। और इसका सेमी पेरीमीटर बोले तो आधा पेरीमीटर कितना है इसका भाई, 10 और 10 20 20 और 12 32 32 को आधा डिवाइड करेंगे तो 16 है, तो 2 6 12 और यदि हम 2 3 6 8 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो 3 सेंटीमीटर दोस्तों एक रेडियस है जिसको हम कोन के अंदर फिट कर सकते हैं यदि उसका बेस रेडियस 8 है और उसकी हाइट बेस रेडियस 6 है और उसकी हाइट 8 है। तो आइए दोस्तों सवाल आपने एंजॉय किया होगा, आपने कुछ नया तरीका सीखा होगा। इसी तरह के और भी सवालों को सॉल्व करने के लिए कम टाइम में आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं सिलेक्शन क्लासेस के नाम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सवाल के साथ में, और बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी भी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है मैथमेटिक्स की, आप उनको देखिए वहाँ से कुछ सीखिए। कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। तो सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।